एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। पैपराजी ने स्पॉट किए हैं बॉलीवुड से आपके कुछ फेवरेट सेलेब्स, तो चलिए देखते हैं कौन सा सेलेब हुआ कहां पर स्पॉट। मलाइका अरोरा हर रोज की तरह इस बार फिर अपने पेट डॉग के साथ बांद्रा के घर के बाहर वॉक करती हुई नजर आई। वेल, हर रोज पैपराजी मलाइका को स्पॉट करती है और मलाइका भी काफी कूल अंदाज में उनके सामने प्रेजेंट होती है। अब उनका ये लुक ही देख लीजिए। सोनू सूद को जुहू में स्पॉट किया गया। आप भी देखिए सोनू सूद जो मसीहा बन चुके हैं वो किस तरह से हुए स्पॉट। बिग बॉस सीजन 13 में नजर आ चुकी एक्ट्रेस रश्मि देसाई इन दोनों अपने इंस्टाग्राम रील से सभी को दीवाना बना रही हैं। हाल ही में जब पैपराजी ने उन्हें स्पॉट किया तो रश्मि ने बताया कि वो खतरों के खिलाड़ी का इंतजार बहुत दिनों से कर रही हैं क्योंकि ये उनका फेवरेट शो है। राखी सावंत काफी हॉट अवतार में अंधेरी के सीसीडी के पास नजर आए, जहां पर उन्होंने पैपराजी से क्या बात की आइए देखते हैं। मैं अभी प्यार और शादी और लव अफेयर में विश्वास नहीं करती क्योंकि जब वो करण एंड निशा का कपल टूट सकता है तो भैया किसी का भी टूट सकता है। मुझे बहुत सैड फील हुआ। नहीं टूटेगा, एक भरोसा। अभी तक तो मैं अपने हस्बैंड को ढूंढ रही थी, अब मैं अपने हस्बैंड को ढूंढना बंद कर दूंगी, है ना। कई सारे टीवी शोज में नजर आ चुके एक्टर प्रिंस नरूला को भी लोखंडवाला में स्पॉट किया गया, जहां पर वो ऑल ब्लैक लुक में पैपराजी को पोज देते नजर आए। वह यहां पर प्रिंस नरूला ने न सिर्फ पैपराजी को पोज दिया बल्कि उन्होंने युविका चौधरी वाली कंट्रोवर्सी पे बात भी की, जहां पर युविका चौधरी ने एक वीडियो में जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर दिया था। क्रिस्टल डिसूजा जिन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक से बढ़कर एक वेब सीरीज की हैं, हाल ही में उन्हें आरामनगर वर्सोवा में स्पॉट किया गया, जहां उनका लुक काफी फ्रेश एंड कम्फी लग रहा था। वहीं बात करें विवेक दहिया की तो उन्हें स्पॉट किया गया मुंबई सिटी में, जहां उन्होंने दिव्यांका त्रिपाठी और खतरों के खिलाड़ी के साथ साथ बिग बॉस के बारे में भी मीडिया से बातचीत की। आप भी देखिए ये वीडियो। जब दिव्यांका का फोन आता है तो हम सब लोग लाउड स्पीकर पे सुनना चाहते हैं, डिटेल्स जानना चाहते हैं स्टंट की, एंड वी गेट वेरी एक्साइटेड टू हियर दैट शी इज डूइंग इनक्रेडिबली वेल। बहुत अच्छा कर रही हैं वो, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ हर। तो उम्मीद ऑब्वियसली जीत से करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और सर, अभी बिग बॉस का बिग बॉस भी स्टार्ट होने वाला है थोड़े दिनों में, तो अगर आपको या दिव्यांका जी को अगर चांस मिला बिग बॉस जाने का तो? आई डोंट थिंक सो यार, हम लोग वी आर नॉट कट आउट फॉर बिग बॉस। हम लोग मसाला नहीं दे पाएंगे। नहीं, आप दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया है लेकिन। आई नो टच वुड, बट नहीं हो पाएगा हमसे बिग बॉस। कृष्णा अभिषेक जल्द ही कपिल शर्मा शो के साथ टीवी पर वापसी करेंगे और ये शो कब आएगा इसका जवाब खुद कृष्णा ने ही दिया है। बस आ जाएगा, अभी हमारा शो आ जाएगा 20 दिन, मतलब द कपिल शर्मा शो रिटर्न। हाँ, जल्दी आएगा, 20-25 दिन में आप लोगों को मतलब खबर मिल जाएगी कि क्या अनाउंसमेंट हो जाएगी। थैंक यू, टेक केयर। वेल, तो ये थे आज की स्पॉटिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा ये चैनल।